हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। 50 डे रिग्रेस प्लान में ये 20वां दिन है हमारा और हम यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी डिस्कस कर रहे थे। 20वां दिन में जो भी हमने डिस्कस किया था ये उसका सेकंड पार्ट रहेगा। हम स्पेसिफिकली बायोडाइवर्सिटी पर बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे और मैंने आपको ये बताया था कि एक मोटा पोर्शन है जो कि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले पोर्शन में, इसीलिए इसके 2 से 3 पार्ट बनाने पड़ेंगे। आज उसका सेकेंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के अंदर में हमने सबसे पहले ये देखा था कि ये कैसे आजकल के टाइम पर मैप का सिनेरियो हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। बिना मैप को अच्छे तरीके से पढ़े हम बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन के क्वेश्चंस को नहीं लगा पाएंगे। आज के इस क्लास में हम 2010, 2011, 12, 13, 14 इन सब की बात करेंगे। यहाँ के क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। इन क्वेश्चंस को देखने के बाद हमें समझ में आएगा कि इस टाइम का जो क्वेश्चन का पैटर्न था वो पैटर्न डिफरेंट था। अब ये पैटर्न चेंज होके इस मैप बेस्ड पैटर्न पर हम कूद चुके हैं। हम जब मैप बेस्ड पैटर्न पर आएंगे, इसको जब तक मैप के बेसिस पर सॉल्व नहीं करेंगे, बी इट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के नेचुरल हैबिटेट की बात हो, कहीं पर भी वो मैप का पोर्शन होना बड़ा जरूरी है। इसीलिए कभी भी बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन वाले पोर्शन को आप बिना मैप के नहीं पढ़ेंगे। दूसरी बात, अभी हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बहुत सारे पोर्शंस को नहीं डिस्कस कर पाए थे, उसको इन वीडियोस में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लास्ट लेक्चर से एक डाउट जो कि गलती हो गई थी मुझसे, उसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर 2017 का ये क्वेश्चन था जिसमें जिसका आंसर कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होना चाहिए था। मैंने गलती से सरिस्का नेशनल पार्क बता दिया था और सरिस्का नेशनल पार्क जैसा कि आप सबने बोला वो राजस्थान में, ठीक है। ओके, अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैंने फिर से दे दिया, आप पढ़ सकते हैं जिनको कन्फ्यूजन होगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। 2010 में ये आया हुआ क्वेश्चन है कि इन स्टेटमेंट्स के हिसाब से आपको बताना है और इसमें बात की गई है नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन सब की। अब देखो क्या है कि जब भी हम इन सब की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक पैटर्न बनना चाहिए, जैसे कि प्रोटेक्टेड एरियाज से रिलेटेड। अब ये प्रोटेक्टेड एरियाज एक्चुअल में हैं कौन कौन से, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर हम इनको पढ़ें प्रोटेक्टेड एरियाज को, तो 5-6 प्रोटेक्टेड एरियाज के कैटेगरी वाइज हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला नेशनल पार्क, दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीसरा अगर हम बात करें कंजर्वेशन रिजर्व होता है, कंजर्वेशन रिजर्व, और चौथा होता है कम्युनिटी रिजर्व, पांचवा होता है मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। इसके अलावा कुछ और भी पोर्शंस हो सकते हैं, जैसे कि आप इको सेंसिटिव जोन पढ़ोगे, अभी इससे क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ चुकी है, तो इको सेंसिटिव जोन जो होता है ESGs, उनको भी हम एक तरीके से प्रोटेक्टेड एरियाज में हम बोल सकते हैं, क्योंकि मोर और लेस काम, देखो प्रोटेक्टेड एरियाज में तो हम बेसिकली इतना ही डिस्कस करते हैं। ये जो हमारा इको सेंसिटिव जोन है इसको भी हम इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि इसका काम लगभग लगभग प्रोटेक्टेड एरियाज जैसा ही है। पढ़ते हैं एक एक बार, मैं आपको रफली आइडिया देता हूं जिसके बेसिस पर आपका एक बढ़िया इमेज बनेगा और इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, देखो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो इन सबसे डिफरेंट चीज है। जैसा कि अभी हमने 5-6 चीजें डिस्कस की ना, बायोस्फीयर रिजर्व जो बेसिकली हम देखते हैं ये यूनेस्को के अंदर 1971 में एक मैप प्रोग्राम चला था, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इंसान और उसके अराउंड जो भी इन्वायरमेंट है उसके बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप हो सके, इसीलिए बायोस्फीयर रिजर्व्स का निर्माण किया जाने लगा। उसके बेसिस पर ऐसे रिच बायोडाइवर्सिटी वाले रीजंस जहां पर अच्छे अमाउंट में फ्लोरा और फौनास थे, उनको बायोडाइवर्स या फिर बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया यूनेस्को के द्वारा। ये डिफरेंट चीज है, हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्टेड एरियाज की। प्रोटेक्टेड एरियाज में सबसे पहले अगर नेशनल पार्क की बात करें, सबका मोटिव हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार इसको हम बना क्यों रहे हैं। देखो नेशनल पार्क बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि कुछ ऐसे फ्लोरा और फौना हमारे पास होते हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने के कगार पर हैं, बहुत कम अमाउंट में बचे हैं, और ये किसी एक पर्टिकुलर स्पेशीज की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं जिसके अंदर यहाँ की बहुत सारी स्पेशीज हैं जो कि अगर हमने अब ध्यान नहीं दिया तो ये हमारे से दूर चले जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए हम इनको स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं नेशनल पार्क बना के। नेशनल पार्क जब भी हम कभी बनाते हैं तो वो एकदम
इतना प्रोटेक्टेड एरिया होता है वो कि वहां पर ह्यूमन इंटेलिजेंस को हम लोग मिनिमाइज करते करते जीरो तक ला देते हैं। यहां पर कोई भी ह्यूमन वर्क नहीं चल सकता है, ह्यूमन इन्फ्लुएंस इन एरियाज पर नहीं होता है। नेशनल पार्क ऐसी जगह है। इसके बाद देखो आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्या मतलब है कि हम किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज की बात करते हैं। हम एक पर्टिकुलर एनिमल स्पीशीज हो सकती है, प्लांट स्पीशीज हो सकती है, उनको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो हो सकता है कि मान लो हमें अगर टाइगर को प्रोटेक्ट करना है तो हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई और इसके अंदर हम लोग टाइगर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इवन लायंस को अगर हमें करना है तो हम लायंस से रिलेटेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाते हैं। यहां पर एक लिमिटेड अमाउंट में ह्यूमन इंटरफेरेंस पॉसिबल है, जैसे कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पर माइनिंग और ये सब काम तो हम नहीं कर सकते हैं, ना कोई इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे काम जैसे कि अगर जानवरों को चरना है, मतलब कि ग्रेज करना है, ग्रेजिंग एक्टिविटीज यहां पर लिमिटेड अमाउंट में यहां पर परमिशन दे दी जाती है। इसके बाद अगर हम कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व की बात करते हैं तो कंजर्वेशन रिजर्व देखो क्या होगा, एक प्रकार का बफर जोन है ये। बफर जोन क्या करेगा, मान लो कि एक नेशनल पार्क है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जहां पर ह्यूमन इन्फ्लुएंस बहुत कम है या फिर नहीं है। हो सकता है कि अगर इसके तुरंत बाद ही हमने शहर बसा दिया तो इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है और इसको मॉनिटर करना भी बहुत डिफिकल्ट होगा। इसीलिए हम एक बफर जोन क्रिएट करना चाहते हैं इन नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के इर्द गिर्द। इससे होगा यूं कि हम एक तो इन बफर जोन में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री करते हैं कि चलो कुछ कुछ लोग हैं जैसे कि ट्राइबल पॉपुलेशन है वो यहां पर रह सकते हैं या फिर कुछ माइनर एक्टिविटीज यहां पर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन एज सच ह्यूमन सेटलमेंट की बात की जाए तो वो नहीं हो सकता है। अब यहां पर जो दो टर्म्स हमने रखा, एक कंजर्वेशन रिजर्व और एक कम्युनिटी रिजर्व, उसमें डिफरेंस बस इतना होता है कि अगर जो भी ऐसा एरिया है अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में होता है तो उसको हम लोग कंजर्वेशन रिजर्व बोलते हैं। अगर वो किसी प्राइवेट ओनर का होता है, मतलब कि उसकी जो उसका जो मालिकाना हक है वो किसी पर्टिकुलर इंसान या किसी फर्म जो कि प्राइवेट है उसके पास होता है तो उसको हम लोग कम्युनिटी रिजर्व बोलते हैं। इतनी चार बात क्लियर हो गई। पांचवा है हमारे पास मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज पहले इन सब प्रोटेक्टेड एरियाज में काउंट नहीं होता था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को 2002 में अमेंड किया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत, और यहां पर इन प्रोटेक्टेड एरियाज में हमने मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को भी इंक्लूड किया। इसके अंदर ओशन के वो एरियाज इंक्लूड होते हैं जिनको हमें प्रोटेक्ट करना होता है। बहुत ही सिंपल सा है, जैसा कि नेशनल पार्क को हम लोग कंसिडर करते हैं लैंड सरफेस के ऊपर, समझ लो वैसे ही मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज ओशन के अंदर होते हैं। ठीक है, ओके, इतनी बात हो गई। अब हमने एक और चीज पढ़ी, इको सेंसिटिव जोन। देखो इको सेंसिटिव जोन्स क्या होते हैं, यहां पर इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट दोनों साथ साथ चलता है। मतलब एक तो इकोलॉजिकल बेनिफिट कि हमें इकोलॉजी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, दूसरा इकोनॉमिक इफेक्ट को भी देखते हैं। मान लो ESGs क्या होते हैं, जैसे कि हमने देखा कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, इन सबको हम बनाते हैं, समझ लो ऐसा ही इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन्स भी, सॉरी इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन भी हम बनाते हैं यहां पर, या फिर इको सेंसिटिव जोन कुछ भी बोल सकते हो आप। यहां पर बेसिकली क्या होता है, मान लो फॉर एग्जांपल हमने वेस्टर्न घाट लिया, वेस्टर्न घाट पे मोर और लेस लगभग लगभग 50,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया को अभी हाल फिलहाल 2017 के नियर अबाउट में इसको आप इको सेंसिटिव जोन घोषित कर देते हैं, मतलब कि जो भी सरकार है वो इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर देती है। अब यहां पर इको सेंसिटिव जोन का क्या मतलब था कि इस रीजन के अंदर जो भी माइनिंग एक्टिविटीज वगैरह थी उनको बिल्कुल से प्रोहिबिट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो भी स्पीशीज हैं, यहाँ के जो भी डाइवर्सिटी है उनको हम लोग कंजर्व कर सके। ठीक है, इनके अलावा कुछ और भी चीजें आती हैं, जैसे कि एक आता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। देखो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो होते हैं उनका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से आता है कि ये कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहां पर डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्पीसीज रिचनेस है। स्पीसीज रिचनेस मतलब नंबर, क्वांटिटी ऑफ द स्पीशीज यहां पर जो है वो बहुत ज्यादा है और उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इनके लिए कुछ कंडीशंस भी होते हैं हॉटस्पॉट्स के लिए, अभी आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम उन कंडीशंस को भी डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल मोटा मोटा तरीके से जब हमने ये पढ़ा तो हम इस डायग्राम के ऊपर क्यों पढ़ रहे हैं ये भी मैं आपको समझा देता हूं। इसमें डार्क ग्रीन वाला जो रीजन है उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि ये कोर एरिया है और ये रिसर्च पर्पस के लिए कभी कभी खुल सकता है, वरना यहां पर कोई भी ह्यूमन इन्फ्लुएंस हो ही नहीं सकता है।
ऐसे एरियाज को हम बोल सकते हैं कि मे बी ऐसा एरिया नेशनल पार्क बन जाए, ठीक है, जहां पर ह्यूमन इन्फ्लुएंस ना के बराबर है। जब तक चीफ फॉरेस्ट वार्डन जो होता है वो परमिशन नहीं देता है, तब तक इस रीजन के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ये होता है नेशनल पार्क। इसके ऊपर ऊपर एरियाज कुछ बफर जोन को हम देख रहे थे। इसी कोर एरिया में हम कभी कभी देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके अंदर छोटा सा हिस्सा नेशनल पार्क का बना दिया जाए। इसके बाद हम कुछ बफर जोन देते हैं। बफर जोन में हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कम्युनिटी रिजर्व हो सकता है, या फिर हम कंजर्वेशन रिजर्व बना सकते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है ना, वो काफी बड़ा एरिया होता है। आप मान सकते हो कि 10 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, या फिर 50 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, 100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया। यहां पर ह्यूमन सेटलमेंट्स को रोका नहीं जाता है। जैसे कि हम आप एक घर में रहते हैं, ऐसे ही वहां पर भी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर भी लोग रहते हैं अच्छे से। इसीलिए एज सच कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है कि बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हो गया है तो वहां पर ह्यूमन इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व केवल और केवल इंसान और उसके एनवायरमेंट के रिलेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए उसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। इतनी बातें हो गई तो हम क्या देख रहे हैं कि सबसे बड़ा तो बायोस्फीयर रिजर्व होगा। ऐसा बहुत बार होगा कि इस बायोस्फीयर रिजर्व में नेशनल पार्क आ जाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाए, इवन कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स जैसे कि टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर के लिए स्पेसिफिक एरियाज डेडिकेट कर दिया कि भाई ये जो है ये टाइगर से प्रोटेक्टेड, टाइगर के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। इनके अलावा ये पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि लायंस के लिए है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स को इन प्रोटेक्टेड एरियाज को बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर भी देख सकते हैं। बातें क्लियर हो गई ना? अब तो कहां पर क्या चीजें हैं और कैसे हैं, बस ये एक मोटा मुद्दा था। देखो बहुत सारे लोग को पता भी हो सकता है लेकिन बहुत सारे लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता इन सब चीजों का। तो अभी आप क्वेश्चन को देखते हैं, देखना क्वेश्चन कितने आसान पूछे गए। 2010 में क्वेश्चन आता है कि नेशनल पार्क को किसी एक लेजिस्लेशन जो कि डिफाइन किया गया है उनके हिसाब से बनाया जाता है, उसके हिसाब से बाउंड्रीज उनकी डिसाइड की जाती है। देखो एक बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यार। मतलब इसमें क्या हो सकता है कि जब तक सरकार किसी चीज को नेशनल पार्क घोषित करेगी वही तो डॉक्यूमेंट बनाएगी, उसका लेजिस्लेशन के अंदर ये सारी चीजें प्रॉपर डिफाइंड है कि बाउंड्रीज कैसे उनको डिमार्केट करना है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट पूछता है कि बायोस्फीयर रिजर्व किसी एक फ्यू स्पीशीज को, फ्यू स्पेसिफिक स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए किया जाता है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व का ये मकसद है क्या? मैंने भी बताया कि बायोस्फीयर रिजर्व का मकसद क्या है, इंसान और एनवायरमेंट के बीच में अच्छा रिलेशन बिल्ड हो, और इसमें कोई स्पेसिफिक स्पेशीज नहीं आती। स्पेसिफिक स्पेशीज की हम बात करेंगे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन जाएगी वो, है ना। तीसरा स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है। हमने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, पहला ऑप्शन डेफिनेटली सही था, थर्ड ऑप्शन के ऊपर पूरा जिम्मेदारी टिकती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर लिमिटेड बायोटिक इंटरफेरेंस परमिसेबल है, तो बिल्कुल है। मैंने अभी बताया कि आपको लिमिटेड अमाउंट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर में कुछ चीजें बोल सकते हैं लोग, आप इंडर मतलब उसमें जा सकते हो। तो ये हो गया, 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। अब जैसे कि इको सेंसिटिव जोन है, तो इको सेंसिटिव जोन में एक और बात मुझे याद आ गई, इसलिए मैं अचानक से इसको बोल रहा हूँ। जैसे कि बहुत बार नहीं होता है कि आप होटल्स बनाते हो, या फिर मतलब इस तरीके से कि आप अंदर जाओगे बिल्कुल घने जंगलों में एक होटल होगा, तो वो सब इको सेंसिटिव जोन के अंदर परमिसिबल है। लेकिन जैसे कोई माइनिंग एक्टिविटी है, कोई इंडस्ट्री सेटअप करने की बात होती है, तो वो सब इको सेंसिटिव जोन में आप नहीं बना सकते हो। इनफैक्ट इको सेंसिटिव जोन का मतलब ही यही होता है कि हम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जैसे इन प्रोटेक्टेड एरियाज में पॉल्यूशन ना फैला सकें। तो इसीलिए पॉल्यूशन फैलाने वाले जितने भी मैकेनिज्म्स होते हैं वो इको सेंसिटिव जोन्स में नहीं आते हैं, ठीक है। ओके, बातें क्लियर हो गई, अब और डिस्कस नहीं करता हूं, बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गया। कुछ और इन्फॉर्मेशन यहां लिखी हुई है जिनको आप बहुत आराम से इत्मीनान से बैठ के पढ़ सकते हैं, और पढ़िएगा जरूर। इतना लिखने का मतलब मैं भगा देता हूँ, मैं हर बार यही बोलता हूँ कि वहां बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छिपी होगी, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा सकता है वो आपके लिए। अगला 2012 का ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें सिंपल सी बात पूछी गई है, बहुत ही सिंपल सा। अब 2010 से कंपेयर करोगे तो ये उससे भी सस्ता क्वेश्चन है। इसमें सिंपल सा केवल इतना पूछा गया है कि अगर लोकल लोग हैं और उनको बायोमास भी कलेक्ट करने और यूज करने की परमिशन नहीं दी जा सकती है, इनमें से वो कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया है। आंसर बताने की जरूरत नहीं है, नेशनल पार्क इसका डेफिनेटली सही आंसर होगा। कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, इनको आप रट लेना, और साथ ही साथ ये भी देखना कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर में कितने डेडिकेटेड, मतलब कितने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, ठीक है। तो आप बता दोगे मुझे कितने हैं नंबर्स, एटलीस्ट तो नंबर्स बता दो मुझे कि मैप के अंदर में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। नाम बता दोगे तो बहुत ही बढ़िया है। देखो क्वेश्चन कभी भी आएगा ना तो इन्हीं सबसे आएगा, जैसे कि वो क्वेश्चन पूछा ना अगस्त्य मलाई
वो बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछेंगे अगर ऐसा कुछ बड़ा रीजन में पूछते हैं, ठीक है। तो आप इनको जरूर से देखना और इनके इर्द गिर्द की चीजें जो भी हैं उनको भी जरूर से पढ़ना। 2012 में एक और क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी से ही रिलेटेड आता है। ये बोलते हैं कि अब आप बताओ कि ऐसे ज्योग्राफिकल एरिया जो कि बायोडाइवर्सिटी हैं उन पे किस किस चीजों का थ्रेट हो सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग से उनका थ्रेट बढ़ेगा, मतलब कि इनमें से कौन सी चीजें हैं जिससे कि बायोडाइवर्सिटी पर थ्रेट हो सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग जैसे ही होगा तो ऑब्वियसली वेजिटेशन खराब होती है, प्लस प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस उनका खराब होगा, पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का, वो परेशान होंगे। तो एकदम सही स्टेटमेंट है। हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन, जितना ज्यादा हम लोग हैबिटेट्स को उनके काटते जाएंगे और उसमें अर्बनाइजेशन को देखते जाएंगे, ऑब्वियसली उनका बायोडाइवर्सिटी या फिर उनकी स्पीशीज की रिचनेस वो लॉस्ट होगी। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एलियन स्पीशीज का इन्वेजन, देखो एलियन स्पीशीज वो स्पीशीज हैं जो कि दूसरे ग्रह से हमारे पृथ्वी पर आते हैं, है ना। ऐसे नहीं है भाई, देखो एलियन स्पीशीज उनको बोलते हैं ना कि कुछ ऐसे अनवांटेड स्पीशीज होती हैं वो, जो कि गलती से किसी दूसरे जगह से आके बस गई हैं और उन्होंने क्या किया है, वहां की जो नेचुरल स्पीशीज थी उनको डिस्टर्ब करना, उन पे कोई आप बोल सकते हो कि उनके ग्रोथ पर अफेक्ट डालना, इस तरीके से होता है, कॉम्पिटिशन क्रिएट होता है। जैसे कि एक सिंगल नीश है, इस सिंगल नीश में एक प्लांट ग्रो करता था एकदम खुशी खुशी, तब से गलती से कहीं से किसी पशु पक्षी ने किसी दूसरे एलियन स्पीशीज का यहां पर एक बीज गिरा दिया, अब ये भी ग्रोथ करने लगा यहां पर। इसके ग्रोथ के कारण क्या हुआ कि इसको न्यूट्रिशन की कमी हो गई। तो इसका बायोडाइवर्सिटी से थ्रेट है कि नहीं इस चीज से, एलियन स्पीशीज को आने से? तो डेफिनेटली है, ये स्टेटमेंट भी सही है। अब तक तो हमारा आंसर आ गया क्या? नहीं, अरे नहीं आया, दो स्टेटमेंट अभी भी हो सकते हैं। फाइनल आंसर के लिए चौथे पर वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करना है। देखो वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करने से कभी भी बायोडाइवर्सिटी पर थ्रेट नहीं आ सकता है। लोग शाकाहारी हैं, अच्छी बात है, लोग खा रहे हैं सब कुछ, लेकिन इसका बायोडाइवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वेग स्टेटमेंट, अब इसको एकदम एक सिरे से नकारते हुए काट डालो और फिर यहां पर 1, 2, 3 स्टेटमेंट सही कर दो। ए स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। फिर से पढ़ लेना, थोड़ा सा मेहनत कर लो। 2014 का एक क्वेश्चन है यहां पर, फिर से बड़ा ही सस्ता क्वेश्चन पूछा गया कि अब आप बताओ कि एक सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए जिसमें ह्यूमन लाइफ और उसके ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ के साथ कंजर्व करने की बात होती है, अब बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे, कौन है? बायोस्फीयर रिजर्व्स, है ना। आसान क्वेश्चन पूछते हैं कि नहीं, बस हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आखिरकार बायोस्फीयर रिजर्व क्यों बनता है। चीजें बहुत आसान होती है, बस हमें बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ एक और इको सेंसिटिव जोन वाले क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। देखो क्या है कि इसमें पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है कि इको सेंसिटिव जोन ऐसे एरियाज हैं जिनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में डिक्लेयर किया गया है। देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर किए जाते हैं, और मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर इको सेंसिटिव जोन को हम नहीं कंसिडर करते हैं। इको सेंसिटिव जोन एक अलग कॉन्सेप्ट है, मिलता जुलता है लेकिन अलग कॉन्सेप्ट है। यहां पर बेसिकली हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं, ना कि किसी एक पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन की बात करते हैं। इसको इसीलिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाया जाएगा, ना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। चीजें बहुत ही कॉमन है कि नहीं, मतलब आप छोटा सा भी नॉलेज रखते हो तो आप खुद भी बता सकते हो कि हाँ कितनी बातें यूपीएससी ने हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, बट कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए, है ना। चलो ये स्टेटमेंट तो हो गया गलत हमारा। दूसरा स्टेटमेंट कि इको सेंसिटिव जोन में ह्यूमन एक्टिविटीज की सभी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटीज को हम प्रोहिबिट करते हैं एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। देखो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, बहुत सारी चीजों एग्रीकल्चर के अलावा भी हम बहुत सारी चीजों को अलाउ करते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी अपने आप में थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया और ये भी गलत हो गया। नीदर वन नॉट टू डीज जो है इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। बहुत बार मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन होती है कि ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इन सब में क्या डिफरेंस है। आप एक बार पढ़ोगे ना इन सब की, एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो कि पर्पस क्या है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, पर्पस क्या है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का, सारी बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। सेक्शन 3 है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, जिसके अंदर में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट सभी मेजर्स लेता है इको सेंसिटिव जोन को डिक्लेयर करने का, ठीक है। ओके, इनको शॉक एब्जॉर्बर भी बोलते हैं, ये भी याद रखना कि कभी स्टेटमेंट ऐसा आ जाए तो बफर जोन, शॉक एब्जॉर्बर, ये सब हो सकते हैं। 2010 का अब एक क्वेश्चन उठाते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट केवल ट्रॉपिकल रीजन्स में लोकेटेड होते हैं। अब देखो ये अपने आप में बहुत ही गलत स्टेटमेंट है, कैसे हो सकता है? टेम्परेट रीजन में, माना कि
डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि केवल और केवल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो हैं वो केवल और केवल ट्रॉपिकल रीजन्स में ही डेवलप होंगे। बोला गया है कि इंडिया के पास चार बायोडाइवर्स हॉटस्पॉट्स हैं। कौन कौन से? एक है ईस्टर्न हिमालयस, एक है वेस्टर्न हिमालयस, एक है वेस्टर्न घाट और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। देखो बातें इसकी सही है, लेकिन कुछ चीज एक्स्ट्रा जोड़ लिया इसने, जैसे कि वेस्टर्न हिमालयस। वेस्टर्न हिमालयस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ईस्टर्न हिमालयस है, वेस्टर्न हिमालयस नहीं है। बर्फ भी बर्फ है वहां पर, कोई भी रिचनेस नहीं है, बायोडाइवर्स रीजन नहीं है वो बहुत ज्यादा, इसीलिए वेस्टर्न हिमालयस तो हम नहीं करते। इसका रीजन भी आप अच्छे तरीके से बोल सकते हो, क्योंकि बारिश वगैरह अगर आप देखोगे तो हमारे वेस्टर्न ईस्टर्न हिमालयस के साइड में काफ़ी ज़्यादा होती है। उधर नॉर्थ ईस्ट रीजन में जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो बारिश वगैरह कितनी तेज होती है, उससे वजह से भी वहाँ की डाइवर्सिटी अच्छी खासी है। प्लस तो क्या स्टेटमेंट सही हो गया? ये स्टेटमेंट गलत, ये भी स्टेटमेंट गलत, नीदर वन नॉर टू इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के पीछे जो चार कंडीशंस, सॉरी तीन कंडीशंस होती हैं, उनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहला कंडीशन ये है कि, नहीं बताऊंगा, उसके पहले ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, क्वेश्चन में एक्चुअल में बात ही वही की गई है कि हॉटस्पॉट को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग कौन कौन से क्राइटेरियाज को रिकॉग्नाइज करते हैं। अभी हाल फिलहाल में इनका कहना था कि वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा रीजन्स, इन सबको हमने जब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाया है तो किस बेसिस पर बनाया। देखो दो तीन चीजें होती हैं, डिस्कस कर ही लेते हैं। तीन चीजें कौन कौन सी? देखो पहला क्राइटेरिया ये होता है कि उस पूरे रीजन में क्या हो कि कुछ ऐसे स्पीशीज हो, मतलब कुछ मतलब कि एटलीस्ट 1500 स्पीशीज हो नेचुरल हैबिटेट में उनके। ठीक है, उनके पास मतलब 1500 स्पीशीज ऑफ वास्कुलर प्लांट हो जो कि एंडेमिक हो, एंडेमिक मतलब वहीं की प्रजाति हो। दूसरी बात, मतलब यूनिक हो अपने में बिल्कुल। फिर 0.5% या तो 1500 स्पीशीज हो जाए या फिर पूरे वर्ल्ड का 0.5% स्पीशीज हो जो कि एंडेमिक हो। इसके अलावा दूसरा आता है कि कम से कम 70% वहां पर ओरिजिनल हैबिटेट लॉस हो चुका हो, मतलब कि एक्सटिंक्ट हो चुका हो, है ना। तीसरा जो है कि वहां पर फ्लोरा और फौना इंपॉर्टेंट होना चाहिए, मतलब रिचनेस बहुत ज्यादा होनी चाहिए वहां पर। ठीक है, प्लस कंडीशंस इतने ही हैं बस। अब इसी के बेसिस पर जरा क्वेश्चंस लगाते हैं। स्पेशीज रिचनेस, ज्यादा स्पेशीज रिचनेस बताया ना यहां पर कि यहां 1500 होना चाहिए या फिर 0.5%, तो ये स्टेटमेंट सही है। वेजिटेशन डेंसिटी, देखो वेजिटेशन पर स्पेसिफिक हम लोग नहीं करेंगे भाई, वहां पर वेजिटेशन नहीं होता है तो हम क्या करेंगे। मान लो खेती होती है वहां पर, पेड़ पौधे हैं, यहां पर ये वेजिटेशन नहीं होता है कि भाई, तो उसकी वजह से मान लो एनिमल स्पीशीज में काफी ज्यादा रिचनेस है या फिर इन सब तरीके से है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एंडेमिज्म, देखो एंडेमिज्म अभी हमने बताया कि देखो एंडेमिज्म होना चाहिए कि जितने भी स्पीशीज रिचनेस हैं उसके 1500, कम से कम 1500 स्पीशीज ऑफ वास्कुलर प्लांट शुड बी एंडेमिक, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। 1 और 3 देख लो कहां पर है, आंसर हमारा आ गया है, बाकी सारे कट गए हमारे। पांचवा भी है थ्रेट परसेप्शन, क्यों? क्योंकि कितना बायोडाइवर्सिटी लॉस हो चुका है, 70% एटलीस्ट 70% उनके बायोडाइवर्सिटी लॉस हो चुके हैं, इसीलिए अब उनके पास थ्रेट आ गया है। अब उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो जो बचे खुचे 30% की डाइवर्सिटी बची है वो भी चली जाएगी, इसीलिए उनको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना, इजी था। ओके, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन अब आपके सामने एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं। ये तो हॉटस्पॉट की कहानी हो गई, एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास हॉप स्पॉट्स का। हॉप स्पॉट्स ये क्या होता है, जरा कमेंट सेक्शन में मुझे फटाफट से बता दो, हॉप स्पॉट्स क्या होते हैं। हॉटस्पॉट तो आपको पता होगा, मुझे पता है, ये एक मैप है जिसके अंदर में हम लोग काफी रीजन देख सकते हैं जो कि हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया है, और इसमें साफ साफ दिख रहा है कि टेम्परेट रीजन में भी ऐसी चीजें हैं और ट्रॉपिकल रीजन में तो है ही है। ओके, इन स्टेटमेंट्स को आप जरा सा देखो ध्यान से, कि इनका कहना है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो बेसिकली लोअर लैटिट्यूड में हायर लैटिट्यूड से अपेक्षा ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि देखो ट्रॉपिकल रीजन में, हमने पढ़ा भी था इस चीज को, कि ट्रॉपिकल रीजन में एक्चुअल में जो भी स्पेसिफिक कंडीशंस होते हैं क्लाइमेट्स के, वो बहुत एडवर्स नहीं होते। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, हायर लैटिट्यूड्स पर जाते जाओगे, विंटर सीजन और यहाँ पर जो एक्सट्रीम कोल्ड होता है वो कभी भी बायोडाइवर्सिटी पनपने नहीं देता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, अगर हम लोग माउंटेन ग्रेडियंट की बात करें, मतलब माउंटेन के स्लोप की बात करें, तो हम जितना ऊपर एल्टीट्यूड में जाने लगेंगे उतना ही कम आपको बायोडाइवर्सिटी दिखेगा, तो बिल्कुल सही है ना ये बात। हम लोग देखते हैं कि किस हिसाब से माउंटेन में स्पीशीज चेंज होते हैं,
तो टुंड्रा, टैगा, और हम लोग ये भी बोलते हैं कि लैटिट्यूड्स मिमिक एल्टीट्यूड। ये एक बहुत ही बढ़िया कॉमन सेंटेंसेस को आप हमेशा याद रखना कि लैटिट्यूड मिमिक्स एल्टीट्यूड। मतलब जैसे हम लोग लैटिट्यूड के ऊपर जाते जाएंगे तो जो भी वेजिटेशन या फिर जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें मिलेंगी, वैसा ही क्रॉपिंग पैटर्न, क्लाइमेटिक कंडीशंस हम एल्टीट्यूड में ऊपर जाते जाएंगे तो भी मिलेगी। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही है, बोथ स्टेटमेंट्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ईजी था। ओके, 2014 में एक और क्वेश्चन आया कि अंडमान निकोबार आइलैंड, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार और सुंदरबन, इनमें से कहां कहां पर हमें कोरल रीफ मिलता है। अब मैप वाला पोर्शन देखो फिर से आ गया हमारा। 2014 से आप बोल सकते हो कि मैप का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ता रहा। उसके पहले के क्वेश्चंस में वो यही पूछेंगे कि भाई कौन सा स्पीशीज इंडेंजर्ड है, कौन सा मैमल है, कौन सा नेचुरल हैबिटेट में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से नेचुरल हैबिटेट नहीं, वो तो मैप वाला आ जाएगा, सॉरी वो नहीं, मतलब शुरुआत के जो दो स्टेटमेंट्स मैंने बोले। अब यहां पर एक चीज बहुत ही क्लियर थी और उससे आंसर भी हमारा निकल जाता। कौन सा भाई? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, हमें पता है कि चलो यहां पर कोरल रीफ्स डेफिनेटली हैं, गल्फ ऑफ कच्छ में भी हैं, मन्नार में भी हैं, लेकिन सुंदरबन, सुंदरबन तो यार मैंग्रोव्स के लिए फेमस है ना, यहां पर कोरल रीफ्स कैसे आ गए, है कि नहीं? अगर कभी हमने पढ़ा होता तो डेफिनेटली हम पढ़ते ना सुंदरबन के बारे में कि भाई यहाँ पर कोरल रीफ्स भी पाए जाते हैं, या फिर कोरल रीफ्स पाने की कंडीशंस भी अगर आप पढ़ोगे तो भी सुंदरबन उसके लिए मतलब तैयार, मतलब वो नहीं होता, उसमें कंडीशंस आपको मिलेंगी नहीं। तो इसीलिए सुंदरबन यहाँ पर गलत ऑप्शन था और इसको एलिमिनेट करते ही हमारा आंसर आ जाता है सेकेंड स्टेटमेंट, गल्फ ऑफ कच्छ। ये तो पता है कि गल्फ ऑफ कच्छ में भी यहाँ पर कोरल रीफ्स मिलते हैं, मतलब ये तीन स्टेटमेंट्स हैं, तीन जगह हैं जहाँ पर कोरल रीफ मिलते हैं। इवन हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर मिलते हैं। तो कोरल रीफ कुछ इस हिसाब से मिलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान निकोबार। एक मैप में देख लेते हैं क्या ही मतलब है। ये देखो कोरल रीफ्स कहाँ का मिलते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ में मिलते हैं। यहाँ पर एक देखो गोवा के आसपास में भी एक रीजन है, वहां पर भी मिलते हैं, लक्षद्वीप तो है ही अपना पूरा एटॉल, पाक बे, गल्फ ऑफ मन्नार, और इसके बाद यहाँ पर अंडमान निकोबार भी पूरा है। तो इस तरीके से इतनी जगह ही कोरल रीफ मिलते हैं। अब सोचो कि जब 2014 में इंडिया के हिसाब से इसने पूछा कि कोरल रीफ कहाँ कहाँ पाए जाते होंगे, तो क्या इस टाइम पढ़ना नहीं चाहिए था कि कोरल रीफ पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पाए जाते होंगे। इसी बेसिस पर यहाँ पर ये लिखा गया 2018 क्वेश्चन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, मैं बस यहाँ पर रिलेट करने के लिए इसको रख रहा हूँ कि यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा, कोरल रीफ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पर सबसे ज्यादा हैं, उनकी रिचनेस कितनी है। तो इन सब के बारे में पता होना चाहिए था क्योंकि पहले ही क्वेश्चन पूछा जा चुका था। फायदा था इस चीज का पढ़ने का कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टाइम पढ़े होते तो हम क्वेश्चंस लगा लेते इस वाले। फिर एक क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 2013 का है। अब यहां से देखो एक बिल्कुल ट्रिवियल क्वेश्चन चलेंगे जिसमें बेसिकली ये स्पेशीज की जानकारी रखना चाहते हैं। यहां पर इस टाइम तक हमारे पास जितने भी जानवर का ये क्वेश्चन पूछा करते थे, यहां पर उनकी तस्वीर देखना बड़ा जरूरी होता था, तभी हम क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तस्वीर देखने से क्लियर हो जाते हैं, जैसे कि सी काउ, सी हॉर्स, सी लायन, इनमें से कौन सा मैमल है। सबसे पहले तो बेसिक कंडीशन पता होनी चाहिए कि मैमल कौन होते हैं। देखो मैमल जो है वो स्तनधारी हैं और फर वगैरह होते हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा परसेप्शन लगा सकते थे अगर इनकी फोटो देखी होती। तो जो देखो सी हॉर्स है ना, सी हॉर्स एकदम छोटा सा है, अपने पंजे पर, पंजे कह रहा हूँ, अपने आप पाम पर आप कम से कम 10-12 सी हॉर्स ऐसे एक के बगल में एक रख सकते हो, इवन और भी रख सकते हो अगर आपका पाम काफी बड़ा है। तो अपने हाथों पर जब आप इतने सी हॉर्स रख सकते हो तो वो मैमल्स की कैटेगरी में तो देखो नहीं आएंगे, इतना आपको पता होता तो भी इससे काम चल जाता है। और सी काउ, सी लायन, ये दोनों, सी लायन जो है, सी लायन को आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में, ये लोग इंसानों के साथ पोज देते हैं, बहुत बढ़िया स्माइल करते हैं, जीभ निकालते हैं, दांत दिखाते हैं, ऐसे बहुत जगह हैं, तो आपने देखा होगा। देखो ये है हमारे सी काउ, ठीक है, मैमल्स हैं ये, और ये सी हॉर्स बहुत ही छोटा सा है, जूम इन करके इतना ज्यादा मैंने बड़ा कर दिया कि फोटो ब्लर हो गई, तो आप समझ सकते हो कि छोटा होगा, है ना। ओके, ये है हमारे सी लायन, सी लायन मूछें वगैरह से शायद इनको लायन बुलाया जाता होगा, और ये पोज बहुत अच्छे अच्छे देते हैं, ठीक है। ओके, अब एक अगला क्वेश्चन, मैमल्स क्या है यहाँ पर लिखे हुए हैं, यंग वंस को नॉरिश करते हैं, मिल्क सिक्रेट करती हैं इनकी फीमेल्स जो होती हैं, और यंग वंस को बर्थ देते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक है, बेसिक चीजें हैं। और सी हॉर्स की बात करें तो वो फिशेस के कैटेगरीज में आते हैं। 2013 में फिर से क्वेश्चन पूछा गया लायन टेल्ड मकाकू के बारे में कि भाई बताओ इसका नेचुरल हैबिटेट कहाँ है, तो इसमें भी मैप की जरूरत पड़ गई।
मैप की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर हमें पता होता कि लायन टेल्ड मकाकू कुछ इसी रीजन में पाए जाते हैं बस, तो हम चुपचाप से जो आंध्र प्रदेश वाला एक रीजन था उसको हम लोग सबसे पहले हटा देते, है कि नहीं? आंध्र प्रदेश का रीजन जैसे ही हमने हटाया यहां से, फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, उसके बेसिस पर एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट। अब इनमें से हमें पता होता कि अगर होंगे तो तीनों होंगे, केरला में तो नहीं दिख रहे ना अकेले, और भी ऊपर ऊपर जगह भी तो हो सकते हैं, इसीलिए तमिलनाडु और कर्नाटक भी इसका आंसर उन्होंने दिया था और यूपीएससी ने 1, 2, 3 करेक्ट आंसर घोषित किया था। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन काफी टफ था, इतना कौन अकेले अकेले स्पीशीज का नेचुरल हैबिटेट मतलब याद करके हुए जाएगा, तो ये क्वेश्चन को मैं अच्छा नहीं मानता हूँ, ये रटने वाले स्टेटमेंट्स हैं, यूपीएससी के लेवल के उसके स्टैंडर्ड्स के नहीं है। अच्छा, लायन टेल्ड मकाकू है कौन पता है आपको? बहुत बार अप्रैल फूल वाले फोटोज में वो ऐसा बोलते हैं, इस पे क्लिक करो आपकी अपनी बहुत ही सुंदर तस्वीर दिखेगी, और उसके जगह पर लगाया किसका होता है, लायन टेल्ड मकाकू का, इस तरीके से कुछ दिख रहा है, लायन टेल्ड मकाकू, है ना? तो ऐसा कुछ होता है, तो आप याद रखना इस चीज को कि लायन टेल्ड मकाकू क्या है, इनकी नेचुरल हैबिटेट्स क्या है, छोटा छोटा सा इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट इन लोग को याद रखे रहो। ओके, एक क्वेश्चन आता है कि फिर से वही 2013 में ही, कि इनमें से कौन से इंडिया में पाए जाते हैं? अब देखो, बताना बड़ा ही मुश्किल है जब तक इनकी फोटोज याद ना हो। स्टार टॉर्टोइज, मॉनिटर लिजर्ड, पिग्मी हॉग, स्पाइडर मंकी। अब नाम से अगर आप समझते हो कुछ कुछ चीजों को, जैसे पिग्मी, पिग्मी हॉग का आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि ये पिग जैसा दिखता है, ठीक, बट छोटा होता है, काफी छोटा, चूहे और पिग को मिला दो ना अगर, तो पिग्मी हॉग बन जाएगा, कुछ ऐसा इसका शक्ल और साइज वगैरह कुछ ऐसा होता है, चूहे से थोड़ा बड़ा होता है। फिर मॉनिटर लिजर्ड, अभी इसकी तस्वीर दिखाऊंगा और आपको डराऊंगा। दूसरी बात, स्टार टॉर्टोइज, उसके पीठ पर स्टार शेप्ड बने होते हैं। स्पाइडर मंकी, उनके हाथ और पैर बहुत ही बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। तो इनमें से एक्चुअल में ये सब पाए जाते हैं, बट स्पाइडर मंकी जो है ना वो ब्राजीलियन लैंड्स पर, मतलब अमेरिकन रीजन्स में उनको मिलते हैं, और ये काफी नए प्रकार के मंकी हैं। ठीक है, तो इस हो सकता है कि उस टाइम पर इनके चर्चा में बात रही हो, इसके बेसिस पर 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और चौथा स्टेटमेंट को जैसे एलिमिनेट करोगे तो आंसर तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी 1, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर है, मतलब इन सब में कोई एलिमिनेशन टेक्निक आप यूज नहीं कर सकते। तो मैं सबसे पहले आपको डरा देता हूँ, डर जाओ, है ना? ये मॉनिटर लिजर्ड है और बहुत ही खतरनाक जानवर है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, जानवर है कि नहीं है, ये रेप्टाइल है शायद ये, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये क्या है, मैमल है, रेप्टाइल है, मॉनिटर लिजर्ड, वैसे नाम से तो पता ही चल गया आपको, छोड़ो। ये है अपना स्टार टॉर्टोइस, ये है पिग्मी हॉग, तो इन सबकी तस्वीर देखते रहोगे तो चीजें क्लियर होंगी। और ये है हमारा सबसे खूबसूरत पोज देता हुआ स्पाइडर मंकी, ठीक है, हाथ पर देख लो कितने जबरदस्त लंबे हैं इसके, तो ये अपने यहाँ नहीं पाया जाता। तस्वीर देख के आप कुछ चीजों को बता सकते हो कि ये अपने यहाँ पाए जाते हैं या नहीं, क्योंकि अंदाजा होता है देखो रफ स्केल में, इसीलिए तस्वीर देखना बड़ा जरूरी होता है। ओके, उन सबके बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन से आप जरूर से पढ़ना। 2013 में फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, घड़ियाल, लेदरबैक टर्टल, स्वैम्प डियर, अब बताओ कि इनमें से कौन से इंडेंजर्ड है। देखो, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को छोड़ दिया है, क्यों पता है? क्योंकि इंडेंजर्ड की बात की जाए तो 2013 के हिसाब से तो तीनों इंडेंजर्ड थे, लेकिन आज के टाइम के हिसाब से नहीं है। घड़ियाल इस टाइम क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, लेदर बैक टर्टल इस टाइम वल्नरेबल है, स्वैम्प डियर भी वल्नरेबल कैटेगरी में आ रहा है इस टाइम, तो इस टाइम के हिसाब से तो नन होगा इसका आंसर, लेकिन 2013 के हिसाब से 1, 2, 3 सी स्टेटमेंट इसका सही था और यूपीएससी ने यही आंसर दिया था 2013 के हिसाब से, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना अभी के लिए, ठीक है? सी आंसर इस तरीके से है कि पहला यूपीएससी ने क्या दिया था, असल में आप देखोगे तो घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और लेदर बैक टर्टल और स्वैम्प डियर आज के जमाने में वल्नरेबल है, ठीक है, इंडेंजर्ड नहीं है। ये है लेदर बैक टर्टल, फोटो देख लो आप अच्छे से, बिल्कुल लग रहा है ना पीठ पर किसी ने चमड़े की खाल लगा दी, खाल तो चमड़े की ही होती है, मतलब लेदर बैक मतलब कि कुछ इस तरीके से आप समझ लो आप। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा प्रोटेक्टेड एरियाज और उनसे रिलेटेड, जो भी जिसके बारे में वो जाने जाते हैं उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। भीतरकनिका, देखो न्यूज में बहुत ज्यादा रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भीतरकनिका, इवन आज तक भी हम लोग देखते हैं न्यूज में हमेशा भीतरकनिका बना रहता है। भीतरकनिका ओडिशा के केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक नेशनल पार्क है। ये नेशनल पार्क बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि ये एक रामसार कन्वेंशन साइट में भी इंक्लूड किया जाता है, और इस नेशनल पार्क के चारों तरफ भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। इसी के आसपास में गहीरमाथा बीच है जिसमें ओलिव रिडले सी टर्टल वाला हिसाब किताब हम देखते थे, मरीन सेंचुरी भी इसके पास में ही दिखता है, अभी इस पूरी चीज़ों को हम देखेंगे, मैप में भी देख लेंगे।
और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का पूरा है घर है। इसके अलावा यहाँ पर इंडियन पाइथन, किंग कोबरा, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पर बहुत सारे रिवर्स ड्रेन करते हैं अपने वाटर को, जैसे कि ब्रह्मणी, बैतारिणी, धर्मा रिवर, पाठशाला रिवर। इसके अलावा यहाँ पर आप बोल सकते हो कि 70% से ज़्यादा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की जो स्पीशीज़ का अमाउंट है वो यहीं पर पाया जाता है। तो इसीलिए ओवरऑल देखा जाए तो ये रीज़न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं वो राजस्थान के इस डिजर्ट नेशनल पार्क में अपने आप को बहुत दिन तक रखते हैं, बहुत ज़्यादा दिन वहाँ पर रुकते हैं। और तीसरा हुलॉक गिब्बन, हुलॉक गिब्बन जो है वो आप बोल सकते हो कि केरला में तो नहीं पाया जाता, यहाँ एराविकुलम केरला की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ है जिसके लिए ये जाना जाता है वो है नीलगिरी ताहर। नीलगिरी ताहर जो है एकदम बकरी जैसी, बकरी और हिरन को मिला दो तो उस जैसे दिखने वाला कोई एक जानवर है, ठीक है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसकी फोटो हम देख चुके हैं कि नहीं, एक बार सबकी फोटो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, बाकी पहला दूसरा सही है। तो थोड़ा थोड़ा ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा रीजन है प्रोटेक्टेड एरिया और स्पेसिफिकली किस चीज़ के लिए है, तो ये भी इस तरीके से भी इन्फॉर्मेशन भी आपको होने चाहिए, ठीक है। ये इसकी फोटोज हमने ऑलरेडी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की देखी थी। ये है हमारा द फेमस हुलॉक गिबन और ये है नीलगिरी ताहर, ठीक है। एराविकुलम वाले रीजन में नीलगिरी ताहर जो है वो बहुत फेमस स्पीशीज है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है जिसमें और भीतरकनिका के बारे में पूछा गया कि इन प्रोटेक्टेड एरियाज में से आपको बताना है कि टाइगर रिजर्व कौन डिक्लेयर है। अब सोचो कि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे अगर, तो हमें पता होना चाहिए ना ये चीज कि भीतरकनिका जो है वो क्रोकोडाइल के लिए फेमस है या फिर ऑलिव रिडले सी टर्टल, इन सब टाइगर रिजर्व की कहीं पर भी बात नहीं आएगी। और जैसे ही हमने दो ऑप्शंस को एलिमिनेट किया हमारा आंसर आ गया कौन सा, बी, 1, 3 और 4 इज द करेक्ट आंसर। बांदीपुर, भीतरकनिका, सुंदरबन, ये लोग प्रोटेक्टेड एरियाज टाइगर रिजर्व्स के लिए डिक्लेयर किए जा चुके हैं। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे थे ओडिशा के भीतरकनिका की, तो यहाँ पर जैसा कि हमने बताया ना कि बहुत सारी रिवर्स हैं लाइक धमरा रिवर, पैरादीप, पैरादीप तो पोर्ट आपको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, महानदी रिवर, बैतारिणी, ब्रह्मणी, और यहाँ पर ऋषिकुलर रिवर है, यहाँ पर गंजम कोस्ट आप देख सकते हो, गहिर माता बीच देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब ये रीज़न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको और भी अच्छे तरीके से मैप में आप बना लेना। ये बता दो आप मुझे नीचे कि मैप में ये रीज़न जो है ये किसके लिए है, ये क्या है एक्चुअल में, ठीक है। इसमें यहाँ पर लिखा नहीं है क्या है, लेकिन आपको बताना है, बहुत ही फेमस चीज़ है, चीज़ नहीं मतलब ब्रैकिश वाटर लेक है, और वो कौन सा है ये आपको बताना है, ओके। इसके अलावा टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट कौन कौन से हैं अपने इंडिया में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक मैप लगा दिया है। इसमें डेफिनेटली आप लोग देखना जरा यहाँ पर इस चीज़ को पॉज करके, क्योंकि काफ़ी बड़ा मैप था तो एक छोटे मैप में लगाने से चीज़ें विजिबल नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है, नदर्न और सदर्न रीजन में। आप आराम से इनको पढ़ सकते हो। यहाँ पर एक डाउट मेरे मन में हमेशा से है, नागार्जुन सागर सिरिसेलम, यहाँ पर इसको महाराष्ट्र में दिखाया गया है। आई हाईली डाउट कि ये नागार्जुन सागर सिरिसेलम जो है ये महाराष्ट्र में, क्योंकि अभी हमने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो एक बार आप इसको क्लियर कर लेना, मुझे लगता है कि ये वाला थोड़ा सा गलत हो गया है इस पूरे मैप में, ओके। अब यहाँ पर असम का भी ऐसे ही है, आप देख सकते हो कि मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओरांग नेशनल पार्क, लाओखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा नेशनल पार्क और हलो गपार गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और डिब्रू सिकुआ नेशनल पार्क। डिब्रू सिकुआ अपने आप में बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इसी तरीके से आपको पूरा पूरा बात पता होना चाहिए कि कौन कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके अंदर कोई नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन से हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आ चुके हैं इस बेसिस पर, ठीक है। यहाँ पर टाइगर रिजर्व के बारे में दिया गया है और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इस पूरे चीज पर निगरानी रखती है और यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में मानस नेशनल पार्क को रखा गया है। सुंदरबन भी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर के द्वारा ड्रेन किया जाता है। तो अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ये है कि कौन से इसमें से ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर इंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। वापस से देखो वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कौन इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, कौन नहीं है। तो उस टाइम पर और इवन अभी भी एक डॉक्यूमेंट आता है गवर्नमेंट के द्वारा कि कौन इस साल इंडेंजर्ड है, कौन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन थ्रेटेंड है, IUCN के हिसाब से जो भी कैटेगरीज होती हैं उनमें डिवाइड होता है। तो फिलहाल तो इसका आंसर ए है, जिसके अंदर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वन ऑफ द फेमस आप बोल सकते हो कि UPSC का एक पक्षी है। इसके अलावा रेड पैंडा, एशियाटिक वाइल्ड एस
और मस्क डियर, ये सारे इंडेंजर्ड स्पीशीज थे 2012 में, लेकिन अभी इन लोगों का हिसाब किताब चेंज हो चुका है। क्या हो गया है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आज के टाइम पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मस्क डियर रेड पांडा अभी भी इंडेंजर्ड है, लेकिन एशियन वाइल्ड एस जो है वो नियर थ्रेटेंड हो चुका है। 2012 में एक और क्वेश्चन आया कि इनमें से आप बताओ कि कौन कौन से एजेंट्स पॉलिनेटिंग एजेंट के हिसाब से बिल्कुल फिट हैं, बैट बी बर्ड, जो भी उड़ते हैं और इधर उधर कुछ खाते पीते रहते हैं। देखो, हमें पता है कि पॉलिनेशन तो किसी से भी हो सकता है, जो भी फूलों के आसपास बैठे, मंडराएं और कहीं दूसरी जगह उड़ जाएं तो वो पॉलिनेटिंग एजेंट बन सकते हैं। तो बैट बी बर्ड तीनों स्टेटमेंट सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। अब एक बार फोटो देखोगे तो और भी चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। बैट है, बैट भी हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ चीजें वो फूल पौधा मतलब फूल वूल से अपने खाने पीने की चीज लेता है। दूसरा, पक्षियों को हमें पता ही है, प्लस बी ये तो यूनिवर्सल है। तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या हैं? और 300 से ज्यादा स्पीशीज ऐसी हैं जिसके फ्रूट केवल और केवल बैट्स के पॉलिनेशन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जिसमें से मैंगो ये सारी चीजें बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो इवन ये भी होता है कि बैट्स जो होते हैं ना, वो फूल में से जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे कि मान लो कोई दूसरा इंसेक्ट है जो कि पॉलिनेटिंग एजेंट है, तो उन इंसेक्ट्स को भी खाने का काम करते हैं, तो इसीलिए वो भी पॉलिनेटर्स कहलाएंगे। 2011 का एक क्वेश्चन है कि सैंडी और सलाइन एरिया में ये रहने वाला एनिमल स्पीशीज अपने नेचुरल हैबिटेट को इस रीजन में ही पाता है, सैंडी और सलाइन एरिया। अब आप खुद ही मुझे बता दो कि ये सैंडी और सलाइन एरिया कहां पर है। बहुत ही ईजी सा है, सैंडी और सलाइन एरिया राजस्थान वाले रीजन में मिलेगा, और कहां, मतलब उस वाले रीजन में जो कि सलाइन भी हो, जहां पर गुजरात का आप कुछ कोस्ट बोल सकते हो, राजस्थान के कुछ एरियाज को काउंट कर सकते हो, स्पेसिफिकली गुजरात को बोलो, यहाँ राजस्थान ही गुजरात कर दो। तो यहां पर आप देखोगे तो इंडियन वाइल्ड एस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है आपके पास, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि इसी से रिलेटेड है। एक है ऑरिक्स, एक है चीरू, इन दोनों में डिफरेंशिएशन बहुत कॉमन है, जो कि आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। मुझे एक बार फटाफट से क्लियर कर दो कि ऑरिक्स और चीरू के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, ओके, इंडियन वाइल्ड एस यहां पर उसके कुछ डिफिनेशंस और कुछ पर्टिकुलर रीजंस में है, और ये उसकी फोटो लगा दी हमने। एक क्वेश्चन हम देखते हैं 2010 का, जिससे रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट ईयर आया है 2019 में। क्या क्वेश्चन था 2010 में कि किंग कोबरा एकमात्र ऐसा स्नेक है जो कि अपना खुद का नेस्ट बनाता है, ऐसा उसने स्टेटमेंट दे दिया। अब पूछा गया कि अब बताओ कि नेस्ट बनाता क्यों है? अरे क्यों बनाता है भाई, अपने बच्चों को पालने के लिए बनाएगा और क्या। इसमें पहला स्टेटमेंट ये बोला गया कि स्नेक ईटर्स होते हैं कोबरा, सांप को ही खा जाते हैं कोबरा, इसीलिए अपने बच्चों को बचाने के लिए ऐसा करता है। नहीं, फिर इसके बाद विवीपैरस स्नेक है जो कि सीधे अपने ऑफस्प्रिंग को बर्थ देता है, ना कि अंडे, अंडे को अंडे से नहीं, मतलब ओवीपैरस नहीं है बल्कि विवीपैरस है। ओवीपैरस स्नेक है क्योंकि वो अपने अंडे देता है, और उसको बचाने के लिए, उसको हैच करने के लिए नेस्ट की जरूरत होती है, जैसे कि पक्षी लोग को जरूरत होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने अभी लास्ट में भी देखा था, लास्ट वाले लेक्चर में, कि किंग कोबरा, ग्रीन कोबरास जो होते हैं वो विवीपैरस होते हैं, और ये लार्ज कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, तो इसीलिए घोंसला बनाता है ताकि ये उनको गर्म रख सके, हाइबरनेट कर सके उस टाइम पीरियड में, कोल्ड सीजन्स में। देखो, ये भी स्टेटमेंट अच्छा नहीं है, मेनली विवीपैरस, और हमने इसका क्वेश्चन भी देखा था, सेम स्टेटमेंट आया था कि नहीं आया था। तो इस तरीके से अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़े जाएंगे तो डेफिनेटली इसका भी स्टेटमेंट बी ही सही है, और इसके वजह से उसी बी स्टेटमेंट को यहां पर गलत बना दिया गया था इस वाले क्वेश्चन में, जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि सम स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर विवीपैरस। तो ये स्टेटमेंट गलत, सॉरी, सही था। तो इस स्टेटमेंट को भी हमें पता होना चाहिए था, 2019 में कोई बहुत नया टर्म नहीं था, बहुत पुराना है विवीपैरस के नाम से। ओके, तो बस इतना ही डिस्कशन है आज के लेक्चर में, और एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसके अंदर हम लोग स्पेसिफिकली कुछ रीजंस की बात करेंगे, जैसे कि इसमें क्लाइमेट चेंज और इंडिया एंड वर्ल्ड और इन्वायरमेंट पोल्यूशन, इन दो क्वेश्चंस, इन दो सेक्शंस को हम रिलेट करेंगे। क्लाइमेट चेंज से जितने भी क्वेश्चन आए और इन्वायरमेंट पोल्यूशन से जितने भी क्वेश्चन आए, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।